ये 8 GB रैम 256 SSD के साथ है, i5 4th जनरेशन। पैसे पैसे कितने? 55 ये है। कौन सा ये? i5 सेकेंड जनरेशन है, 4 GB रैम 250 GB हार्ड ड्राइव। ये 20,000 रुपये की है। 20,000 जी। ये 1,00,000 रुपये की है। 1,00,000 रुपये। i7 4th जनरेशन रेजर ब्लेड नाम है मशीन का। ये 35,000 रुपये की i5 4th जनरेशन है। 4 GB रैम 500 GB हार्ड ड्राइव। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं रीगल ट्रेड सेंटर में जो रीगल चौक सदर पे वाक़े है, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं लैपटॉप की शॉप। यहाँ सेकंड हैंड लैपटॉप फरोख्त किए जाते हैं, तो ये किस कीमत पर है आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम है फैज़ान अहमद, ये दुकान का नाम है ट्रॉबी ट्रेडर। कहाँ पर है आपकी शॉप? शॉप है सदर रीगल ट्रेड स्क्वायर में। कहाँ पर है वाकई? कहाँ पर है? सदर रीगल ट्रेड स्क्वायर फर्स्ट फ्लोर F41 F49 दो शॉप्स हैं। अच्छा, आप लोग लैपटॉप में डील करते हैं? लैपटॉप्स और अदर एसेसरीज में। अच्छा, ये सेकेंड हैंड लैपटॉप होते हैं? सेकेंड हैंड होते हैं। न्यू में ही मिल जाइए न्यू में ही मिल जाएंगे, यूज़ में चाहिए यूज़ में ही मिल जाएंगे, रिफर्ब में चाहिए रिफर्ब में ही मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे सस्ता लैपटॉप दिखाइएगा कौन सा आपके पास? सबसे सस्ता लैपटॉप जो है मेरे पास ये लिनोवो का है, सेलरॉन प्रोसेसर है, 6th जनरेशन 4 GB रैम 250 GB हार्ड ड्राइव। कितने का ये? ये 13,000 रुपये का है। 13,000। ये है कौन सा? ये i5 सेकेंड जनरेशन है, 4 GB रैम 250 GB हार्ड ड्राइव। ये 20,000 रुपये की है। 20,000 जी। इसके अलावा ये रखा हुआ है, ये MSI का है गेमिंग मशीन, i7 8th जनरेशन। गेमिंग मशीन है, बैकलाइट कीबोर्ड, 16 GB रैम 512 GB SSD हार्ड ड्राइव। कितने का ये? 1,29,000 रुपये का ये। 1,29,000 रुपये। इसके अलावा अलग अलग मॉडल्स में रखा हुआ है, ये i3 5th जनरेशन है। कौन सा? i3 की 5th जनरेशन है, डेल। टच में भी मिल जाएगा, नॉन टच में भी मिल जाएगा। ये तो 35,000 रुपये का है, 35। इसके अलावा ये असूस में है, i7 3rd जनरेशन, 8 GB रैम 500 GB हार्ड ड्राइव। ये 30,000 रुपये की है। 30,000 जी। इसके अलावा ये AMD प्रोसेसर में है, ये 12,000 रुपये का। 12,000 जी। 4 GB रैम 250 GB हार्ड ड्राइव। 4 GB रैम 250 GB हार्ड ड्राइव। डेल प्रिसिशन है 3510, i7 7th जनरेशन, 16 GB रैम 512 GB SSD, 4K स्क्रीन रेजोल्यूशन टच, 4 GB ग्राफिक कार्ड है। कितने का ये? तकरीबन जो है 140 की है। 1,40,000। 1,40,000। i7 7th जनरेशन। पूरा i7 7th जनरेशन। i7 7th जनरेशन। अच्छा, इसके एक ही प्राइस है या कोई अगर लेने हैं तो कम भी जाते हैं? किसी में गुंजाइश होती है कर भी देते हैं, होलसेल में चाहिए होते हैं 15-20-25, उनकी प्राइस अलग होती है, 20 सिंगल पीस के रेट अलग होते हैं। आप होलसेल में भी डील करते? होलसेल में भी डील करते हैं। अलावा एक ये है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, मशीन अलग हो जाती है। इसके अलावा ये कितने का है? ये 8 GB रैम 256 SSD के साथ है, i5 4th जनरेशन। पैसे पैसे कितने? 55। कंपनी कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, जिस जो विंडोज़ बनाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका अपना डाला हुआ है? नहीं, अपना वही विंडोज़ जो नॉर्मल हमारी होती है, वही विंडोज़ 10। मतलब टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं? टैबलेट मोड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? अलावा ये रेजर ब्लेड की मशीन है, i7 4th जनरेशन गेमिंग मशीन है। ये भी गेमिंग मशीन है। ये इसका माउस पैड है।
ये गेमिंग मशीन है। इसमें भी वही 16 GB रैम, 512 M1 SSD हार्ड ड्राइव लगी हुई है, 17 इंच, 4 GB ग्राफिक कार्ड। अच्छा, ग्राफिक कार्ड भी है। वही गेमिंग मशीन हो गई, ग्राफिक कार्ड वाली मशीन आ गई। कीमत कितनी है? ये 1 लाख रुपये की। ऑन किया है? ऑन किया है। यूज़ में? सब यूज़ में ये। नई में जो है ये मशीन है, तकरीबन भी जो है 5 से 6-7 लाख रुपए की मशीन आती है। 16 GB रैम है, 512 M1 SSD हार्ड ड्राइव। अच्छा, इसमें अगर एक्सटर्नल रैम लगाना चाहें कितनी तक रैम लगवा सकती है? 16 फिलहाल इनमें 16 ही लग सकती है, क्योंकि 2 रैमों की लोड होती है तो 8-8 की 2 वैसे ही लगी हुई होती है। इसके अलावा जो वर्क स्टेशन की मशीनें आती है उसके अंदर 4 रैमों की लोड होती है, तो उसके अंदर आप 16 की 64 GB SSD हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। इसमें 2 स्लॉट होती है? इसमें सिर्फ 2 स्लॉट होती है, बाकी जो वर्क स्टेशन की मशीनें होती है उसके अंदर 4 स्लॉट होती है, 4 हार्ड ड्राइव लगने की जगह होती है। इसमें LED ली हुई है, जो ऊपर फंक्शन दिए हुए हैं बटन के साथ। मशीन पे एडिट भी किया जा सकता है? और एडिट भी आराम से एडिट कर सकते हैं। दोबारा बताना प्राइस कितना बता दें? ये 1 लाख रुपये की है। 1 लाख रुपये। i7 4th generation रेजर ब्लेड नाम है मशीन का। माइनिंग हाईटेक में सबसे ज़्यादा जो है ये i5 3rd generation की मशीन है। थर्ड जनरेशन, 4 GB रैम, 250 GB हार्ड ड्राइव, डेल 5430 मॉडल है। कितने का ये? 22,000 रुपये की है। 22,000 रुपये जी। i5 3rd generation, इसी में जो है इसी के अलावा जिसके बाद जो मशीन सबसे ज़्यादा चलती है वो है ये i5 4th generation की मशीन, HP ProBook 650 G1 मॉडल है ये। ये 35,000 रुपये की i5 4th generation। रैम कितनी है? 4 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव। ये भी 2 स्लॉट होती हैं इसमें? 8 जितनी भी नॉर्मल मशीनें होती है उसके अंदर 2 स्लॉट ही होती है। जिस वर्क स्टेशन की जितनी मशीन है उसके अंदर 4 स्लॉट आती है। वर्क स्टेशन वाली मशीन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वर्क स्टेशन में फ़िलहाल अभी ये रखी हुई है i7 6th generation, DDR4 वाली मशीन। M2 SSD हार्ड ड्राइव भी लग सकती है, नॉर्मल SSD भी लग सकती है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लग सकती है इसमें। वैसे अभी कितनी लगी हुई है? अभी इसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई DDR4 और 256 GB SSD लगी हुई M2। अच्छा, आजकल प्राइस कितने लड़के? ये 1,10,000 रुपये की है। 1,10,000। इसमें 4 रैम लगने की जगह है, 3 हार्ड ड्राइव लगने की जगह है। टोटल इसमें आप 64 GB हार्ड रैम कर सकते हैं। मशीन साइज़ बढ़ा जाए तो उनके लिए सबसे अच्छी मशीन ये वाली है, ग्राफिक कार्ड के लिए। i5 4th generation है, डेल। इसके अंदर 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड ड्राइव है। रैम हार्ड ड्राइव आपको बढ़ानी है आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कम करानी कम भी करा सकते हैं। इसी में i5 4th भी आता है, i3 4th भी आता है। इसी मशीन में i7 4th भी आता है। इसी मशीन में ग्राफिक भी आता है, इसी मशीन में नॉन ग्राफिक भी आता है। कितने की है ये मशीन? ग्राफिक वाली जो है 35,000, नॉन ग्राफिक वाली जो है 35,000 रुपये की है। ग्राफिक वाली जो मशीन है 2 GB ग्राफिक होता है वो 38,000 रुपये की, i5 4th generation। यही मशीन अगर आप i7 में लेने जा रहे हो तो ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है। एडिटिंग के ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है, वो डेडिकेटेड ग्राफिक होता है। उसके लिए तकरीबन i7 4th आपको पड़ेगी 45,000 रुपये तक की। 8 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव, SSD हार्ड ड्राइव आपके ऊपर है, लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो वो आपके ऊपर होता है। रखी हुई है स्लिम मशीन i5। ऑन करके दिखा? ऑन नहीं होगी फिलहाल, रेडी नहीं है अभी, अचरी है। i5 10th generation है ये। i5 10th generation यूज़ में, डब्बा पैक भी नहीं है। कितने की? 1,20,000 की है ये। i5 10th generation, 8 GB रैम, 500 GB हार्ड ड्राइव, DDR4 वाली मशीन है, ओपन बॉक्स है ये। और क्या इसके अलावा? इसके अलावा इसी में वर्क स्टेशन में 4th generation मिल जाएगी। 17 इंच में है, हेवी ड्यूटी मशीन, आप इसको 1-1 महीने तक आराम से चला सकते हैं। इसमें डबल एग्जॉस्ट दिए हुए होते हैं, ग्राफिक कार्ड के लिए अलग होता है, प्रोसेसर के लिए अलग होता है। इसके अंदर वही 4 रैम लगने की जगह, 4 हार्ड ड्राइव लगने की जगह होती है इसमें। 17 इंच का लैपटॉप होता है ये,
रैम कितनी है? 32 GB रैम लगी हुई है इसमें, 512 M1 SSD हार्ड ड्राइव लगी हुई है। 32 GB रैम है, कितने का ये है? 99 का, $99। आप उसमें कॉन्फिगरेशन कम कराते हैं, नॉर्मल जो मशीन ये लेके जाते हैं अक्सर कस्टमर, वो 8 GB 500 GB के साथ लेते हैं, 4 GB ग्राफिक कार्ड, 75 i7 4 4910 का कार्ड लगाओ, एनवीडिया कार्ड लगाओ, क्वाड्रो 4x00M डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 4 GB, इन 1080 रेजोल्यूशन FHD फुल HD ग्राफिक, i7 4th जनरेशन 17 इंच, जिसमें वही 4 GB 4 रैम लगने की जगह, 4 हार्ड ड्राइव लगने की जगह, हार्ड ड्राइव भी आप 4 लगा सकते हैं इसमें। कार्ड है मेरा नाम फैजान है, फ़ोन नंबर 03-200-27-2212। कोई भी ऑनलाइन आपसे ऑनलाइन काम करना चाहे तो मेरा फेसबुक पे पेज बना हुआ है ट्रॉबी लैपटॉप के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी ट्रॉबी लैपटॉप के नाम से पेज बना हुआ है। ऑनलाइन नंबर पर जी कोई भी इस नंबर पे आप फिर आपका इसमें एक और दूसरा नंबर भी ले लें 03-13-22-52-884, ये भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों पे ऑर्डर भी दे सकते हैं। कौन सा ये दिखाया इन्होंने? ये कितने का है? पड़ेगा आपको 75 फोर आई सेवन आई फाइव एट जनरेशन